दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के बेहतरीन कलाकार रजत नागपाल के बारे में। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी सारी वीडियो देख सकें आने वाले समय में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 11 मार्च 1993 को हरियाणा के फतेहाबाद में जन्म हुआ बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर रजत नागपाल का। रजत नागपाल ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक को बड़ी बारीकी से सीखा, क्योंकि रजत के पिता फतेहाबाद में जागरण किया करते थे और जागरण से मिले पैसे को विधवा आश्रम और गरीबों की सेवा किया करते थे। और रजत अपने पिता के साथ साथ जाया करते थे और एक दिन रजत का भी मन किया जागरण करने को। तभी से रजत की रुचि म्यूजिक की तरफ अधिक बढ़ने लगी। रजत स्कूल के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया करते थे, कई बार अवार्ड भी जीता हुआ। इस तरह से रजत ने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा समय अपने म्यूजिक को दिया, जो कि आप देख सकते हैं। रजत नागपाल सिंगर बनने से पहले पाकिस्तान के मशहूर कलाकार सफाकत अमानत अली के साथ काम किया करते थे करीब एक दो साल तक एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के तौर पर। और बात करें, रजत नागपाल ने बीट फैक्ट्री एकेडमी में भी काम किया, जो कि दिल्ली में है। इस एकेडमी में बच्चों को म्यूजिक बनाना सिखाते हैं। अगर आप भी म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रजत नागपाल कैसे बने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। इस वीडियो का 500 लाइक्स का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। रजत नागपाल का पहला सॉन्ग आया था फैशन, जिसको गाया था गुरु रंधावा ने, और इस गाने का म्यूजिक दिया रजत नागपाल ने, और ये गाना सुपरहिट साबित हो गया। इस गाने को यूट्यूब पर करीब 190 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख चुका है। इस गाने के सुपरहिट हो जाने के बाद तो गुरु रंधावा रजत के तो फैन ही बन गए। इस गाने के बाद और भी गाने दिए रजत नागपाल ने गुरु रंधावा भाई के लिए, जैसे तारे, तू मेरी जानी, सूट सूट, इस तरह से एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने दिए। रजत को गुरु भाई अपना छोटा भाई भी मानते हैं। और दोस्तों, पहली बार रजत ने अपनी आवाज़ दी फ्रीज गाने में। इस गाने को लिखा भी था रजत ने और म्यूजिक भी दिया था। हालांकि ये गाना इतना बड़ा हिट साबित तो नहीं हुआ, लेकिन इस गाने के बाद भी कई सुपरहिट गाने दिए, जैसे पहाड़न, क्यूट सॉन्ग, ख्याल रखिया कर, कल्ला सोना नी गल करके। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रजत नागपाल का सबसे बेस्ट और सबसे रोमांटिक गाना कौन सा लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के स्पॉन्सरशिप के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी लूडो किंग खेलते हैं तो आप भी लूडो किंग खेल के लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस आपको नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन करना होगा और खेलना होगा लूडो। और ये ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, जाइए और इंस्टॉल करिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।